हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन हेयर केयर DIY लेकर के आई हूँ। इस DIY की मदद से दोस्तों आपका जो रूखा सूखा बाल है, बेजान बाल है, और अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं, टूटते हैं, ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है दोस्तों, तो आज का ये DIY आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके बालों की बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेकर के आएगा और टूटते झड़ते बालों को जड़ से रोकेगा और स्कैल्प को मजबूत करेगा, जिससे बालों की हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन आज का ये DIY है दोस्तों, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का DIY बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा प्याज। प्याज दोस्तों हमारे बालों के लिए वरदान है। प्याज का रस हो या फिर प्याज का छिलका हो, हर तरीके से हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। प्याज जो है दोस्तों हमारे स्कैल्प को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है। हमारे स्कैल्प से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है, जड़ों में जितनी प्रॉब्लम्स होती है, वो सबको दूर करता है और उसके साथ साथ आपके जो हेयर ग्रोथ होती है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता है। आपके बाल को नरिश करता है, मुलायम करता है, सिल्की सॉफ्ट बनाता है और आपकी बाल की ग्रोथ बहुत ही अच्छी कर देता है दोस्तों। तो प्याज जो है वरदान होता है आपके बालों के लिए। प्याज का रस अगर आप अपने बालों में लगाते हो ना, तो आपके बाल में हर प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। अक्सर अगर आप अनियन तेल या प्याज का तेल बाज़ार से ख़रीदते हो तो बहुत ही ज़्यादा महंगे भी होते हैं और उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह भी होते हैं। तो आप जो है घर में प्याज के रस का इस तरीके का DIY कीजिए, नुस्खा कीजिए और अपने बालों को जो है जड़ों से टूटना झड़ना रोक करके अपने बालों को खूबसूरत, सिल्की, शाइनी और बहुत ही ज़्यादा लंबा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्याज को काफ़ी अच्छे से इस तरीके से छिलका समेत काट लिया है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि प्याज का छिलका भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने छिलका बिल्कुल भी हटाया नहीं है। एज इट इज़ हमने प्याज को अच्छे से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिए है। प्याज आप किसी भी तरीके से काट सकते हैं, राउंड सर्कल में हो गया या फिर बहुत ही ज़्यादा बारीक या फिर बहुत ही ज़्यादा मोटा मोटा, किसी भी तरीके से प्याज को आपको काटना है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक प्याज लिया हुआ है और इस प्याज को आपको डालना है लगभग 2 कप के आसपास आपको पानी ले लेना है। पानी में आपको छिलका समेत वो जो हमने प्याज काटा हुआ है उसको आप डाल दें। आप यहाँ पे चाहे तो एक बार इसको वॉश करके धो भी सकते हैं या फिर बिना धोए भी यूज़ कीजिए, क्योंकि धोने से क्या होगा, प्याज की जितनी फ़ायदेमंद चीज़ होती है वो निकल जाएगा, इसलिए आपको धोना नहीं है, सीधा प्याज को जो पानी में डाल देना है। उसके बाद अगला सामग्री ये लिया है मैंने, कलौंजी यानी कि मंगरेला, ब्लैक सीड्स इसको बोलते हैं दोस्तों। अगर इसके ब्लैक सीड्स के कलौंजी का अगर आप तेल खरीदने जाओ मार्केट से तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। 200 ml, 300 ml आपको जो है 600-700 रुपये का मिलेगा, क्योंकि बहुत ही महंगा तेल है। और दोस्तों इसलिए महंगा मिलता है क्योंकि कलौंजी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, हमारे बालों को जड़ से काला करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, नेचुरली ब्लैक करता है आपके हेयर को और इससे भी और क्या होता है, आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। यानी अगर आपके बाल नहीं उगते हैं, गंजे सर पे भी बाल उगाने की इसकी क्षमता होती है दोस्तों, इसलिए कलौंजी का तेल ये सब बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है मार्केट में, इसलिए आपको बाहर से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। कलौंजी आप ले के आएँ, मंगरेला बाहर से ले के आएँ और इस तरीके का नुस्खा या फिर घर में भी कैसे इसका तेल बनाया जाता है मैंने मेरे चैनल पर वीडियो डाला है, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे हेयर ग्रोथ में। तीसरी सामग्री मैंने ली है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स दोस्तों बहुत ज़्यादा इसकी जो है मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, गुणों का भंडार होता है इसके अंदर, हर तरीके से फ़ायदेमंद होता है ये हमारी स्किन में हो या फिर हमारे हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर आपके बालों के लिए हो। हेल्थ से रिलेटेड बात करा जाए तो दोस्तों ये हमारे डायबिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। उसके साथ साथ अगर आप इसका पानी का सेवन कंटिन्यू करते हो तो आपके वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों, जोड़ों के दर्द को ठीक करता है, कमर दर्द ठीक करता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है मेथी दाना। उसी प्रकार हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपकी हेयर फॉल्स बहुत ही ज़्यादा होती है उसको रोकता है और आपके स्कैल्प को मजबूत करके एकदम बालों को लंबा, सिल्की, शाइनी बनाता है, नए बाल उगाता है दोस्तों। कहा जाता है अगर गंजे सर वाले लोग भी मेथी दाना का इस्तेमाल किसी तरीके से करेंगे तो उसके सर में भी बाल आ जाएगा, इतना फ़ायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए। तो इन सभी चीज़ों को हमने इस वाले पानी में लगभग 1-1 चम्मच करके डाल दिया है। इस पानी को यहाँ पे हमें किसी भी तरीके से अच्छे से बॉयल करना है या फिर आप गैस पे करें, इंडक्शन पे करें, किसी भी चीज़ पे रख करके आपको इसको
लगभग 7 से 8 मिनट तक, 10 मिनट तक इसको आप अच्छे से इसको बॉईल करें। बॉईल इसलिए करना है क्योंकि जो प्याज, मेथी दाना और कलौंजी का गुण है वो सभी के सभी इस पानी में आ जाए। दोस्तों सब जितनी भी सामग्री मैंने ली है सब के सब भरपूर मात्रा में मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, गुणों का भंडार होता है और हमारे बाल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना है, 8 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से बॉयल कर ले और सेम जो है उसी बर्तन में आपको इसको छोड़ देना है लगभग 2 घंटे के लिए मैक्सिमम। मिनिमम आप इसको ठंडा होने तक छोड़ सकते हैं। जैसे छोड़िएगा ये देखिए प्याज जो है सभी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। इसका मतलब प्याज की जितनी खूबियाँ हैं वो इस पानी में आ गई है और ये जो पानी मिला है ना बहुत ही ज़बरदस्त और मैजिकल पानी हो गया दोस्तों। आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मैजिकल पानी बना है, ज़बरदस्त नुस्खा बन गया है। आपकी हेयर फॉल्स को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करेगा, आपके नए बाल को उगाएगा, आपके बालों को काला करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मैजिकल ये वाला पानी बना है। इस पानी को आप चाहें तो किसी भी डब्बा वगैरह में स्प्रे बॉटल में भर करके रख करके इसको आप जब मन चाहे अपने बालों पर स्प्रे कर सकते हैं। ख़ासतौर पे नहाने के पहले स्प्रे करिए, रात को सोने के पहले भी कर सकते हैं। अभी गर्मियों का टाइम है, अगर रात में अगर आप पानी लगाते हो आपको दिक्कत हो रही है तो नहाने के पहले आप लगाएँ और इस तरीके से आपको जो है बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अगर आप उस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, क्योंकि ये वाला नुस्खा आप वीक में 2 बार ज़रूर करें और स्प्रे बॉटल में रखते हैं तो इसको आप डेली स्प्रे कर सकते हैं। और इसको करना क्या है, आपको अपने बालों को बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लेना है शैम्पू करके, क्योंकि कोई भी DIY इस तरीके से करे तो आपके साफ़ बाल में ज़्यादा फ़ायदा करेगा, हेल्प करेगा। इसलिए अपने बालों को बहुत ही अच्छे से शैम्पू कर ले, धो ले, ताकि आपका स्कैल्प क्लीन रहेगा, साफ़ रहेगा, तो बहुत ही जल्दी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो अच्छे से शैम्पू करने के बाद अच्छे से पानी से वॉश कर ले, जिससे आपका जो स्कैल्प है बहुत ही साफ़ हो जाए और उसके बाद आपको जो है ये वाला नुस्खा अपने बालों पे अप्लाई करना है। शैम्पू कर लगभग दोस्तों आपको वीक में 2 बार ज़रूर करना चाहिए, इससे आपके बालों जो है बहुत ही क्लीन रहता है, साफ़ रहता है और आपके स्कैल्प जब क्लीन रहेगी तो किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डस्ट नहीं जमेगा, डैंड्रफ नहीं होगी और आपके हेयर ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। इसलिए हमेशा वीक में कम से कम 2 बार शैम्पू करके और इस तरीके का नुस्खा ज़रूर अपनाएं। और शैम्पू भी बिना नुस्खे का ना करें, सिर्फ शैम्पू ना करें, बहुत सारे नुस्खा जो होते हैं जो शैम्पू में यूज़ करके आप कर सकते हैं। इससे आपको केमिकल्स वाले शैम्पूज़ का जो है साइड इफ़ेक्ट वो नहीं होगा और आपका हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा, बाल की लंबाई काफ़ी अच्छे से बढ़ेगी दोस्तों। ज़रूर ट्राई करें। और ये वाला नुस्खा करने के तुरंत बाद ही अपने बाल को वॉश ना करें, कम से कम 10 मिनट तक मिनिमम अपने बालों पे लगा रहने दें। और अगर आप चाहते हैं तो इसको लगा रहने ही दें, बिल्कुल भी वॉश ना करें तो और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए।